सभी को अस्सलाम वालेकुम। भाइयों जरा जवाब जोर से दे तो अच्छा रहेगा, मुझे लग रहा है कि आप सोए नहीं है। मोहसिन भाई ने तुमको जगाने का काम कर रहे हैं, तो सलाम का जवाब भी आना जरूरी है। आप यहाँ देख रहे हैं हर एक लेडी इतने डैशिंग से इतने दूर दूर से आके बात कर रही है, आपके आप भाइयों का साथ दे रही है। आप भाइयों का भी फर्ज बनता है, इस बहने शेरनी के सामने आप भी शेरों की तरह खड़े रहना चाहिए। आपने अभी कुछ थोड़ी देर पहले की देखा, जरांगे पाटिल लाइव आ चुके थे, उन्होंने बताया कि मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पे मैं लड़ूंगा और कोशिश करूंगा। मैं चाहती हूं कि आप हम भी लड़ सकते हैं। उनको तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हर एकला जाके निवेदन देता है कि मुस्लिम आरक्षण पे लड़िए, कि आप हम क्यों नहीं लड़ सकते? हमारे कौम में वो जज्बा नहीं है क्या? हमारे कौम में एक ही नहीं है क्या? एक मराठा लाख मराठा हो सकता है, एक मुस्लिम 2 लाख मुस्लिम क्यों नहीं हो सकता? मेरा सवाल है ये भाइयों से। आपस के गिले शिकवे दूर करना चाहिए, अपने को अपने साथ लड़ना नहीं है, अपने कौम के लिए लड़ना है। हम सब सिर्फ लड़ते रहते हैं, तू बड़ा मैं बड़ा, अरे अपने सबके बीच में दूसरा खड़ा होते रहता है। अपने में एक ही रखो, इत्तेहाद रखो, अपने लोगों को बढ़ाओ। जब अपने में इतना जज्बा है कौम का, तो हम क्यों नहीं लड़ सकते भाइयों? मेरा सवाल है तुमसे, एक लेडीज एक बहने तुम्हारा साथ देने के लिए हर एक जगह से आ सकती है, लड़ने के लिए तैयार है, हर एक आंदोलन के लिए तैयार है, हर एक न्यायालय का सामना करने तैयार है, टीपू सुल्तान की बहन बनने तैयार है, शिवाजी महाराज की बहन बनने तैयार है, बाबा साहेब अम्बेडकर की बहन बनने तैयार है, तो आप अभी तक क्यों सो रहे हो? आपको मोहसिन भाई ने जगाने का काम किया है। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही जगते रहिए। आप कब तक सोएंगे, कब तक सोएंगे? एनआरसी का मुद्दा हो गया, हिजाब का मुद्दा हो गया, सीए का मुद्दा हो गया, ट्रिपल तलाक का हो गया, मॉब लिंचिंग हो रहे हैं, हमारे भाइयों को गौहत्या के नाम पे मारा जाता है, हर एक तरफ से हमारे समाज पे जुल्म होता रहा है, हम क्यों बर्दाश्त करें? भाइयों हम लड़ सकते हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं, आप सबका साथ होना जरूरी है। सब लोग इतना ही जहन में रखिए कि आपस में अपने को लड़ने का नहीं है, अपने कौम के लिए अपने को लड़ने का है। ये सब अपनी गिले शिकवे जो भी है वो आपस के दूर कीजिए। ये पॉलिटिकल भी जो है हर एक पार्टियों के, हमको आपस में लड़ाना चाह रहे हैं। वो बोलते हैं कि मुस्लिम मुस्लिम को ही गिरा सकता है, मुस्लिम मुस्लिम के साथ ही लड़ सका, उनको इतना कॉन्फिडेंस हुआ है। लेकिन हम बताएंगे ना, हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हम हमारे कौम के लिए लड़ेंगे, हम हमारे कौम के हक के लिए लड़ेंगे, मुस्लिम आरक्षण के लिए लड़ेंगे, मुस्लिम संरक्षण के लिए लड़ेंगे, हमारे बच्चों के शिक्षण के लिए लड़ेंगे। हर एक जगह जाओ, सोलापुर जाओ, पुणा जाओ, परभणी, हर जगह, मुंबई से आए हैं, हर जगह हर लोग काम कर रहे हैं, इतनी बेबाकी से इतने जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। आप सबका भी हक बनता है, जैसे कि मोहसिन भाई ने सबको इकट्ठा किया है, हर एक जिले में इकट्ठा होके, हम तो मोहसिन भाई आधी रात को भी तुम्हारे आवाज पे सोलापुर में आंदोलन करने के लिए तैयार है। आप सभी को और एक बात कहना चाहती हूँ कि आप सब से अपील है कि हम सब एक होंगे, ये इशारा मुझे हाथ ऊपर करके दीजिए कि हम आपस के गिले शिकवे दूर करके सिर्फ अपने और अपने कौम का फायदा, ये जज्बा दिल में रखते हुए अपने कौम का काम करेंगे और अपने कौम को आगे बढ़ाएंगे। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। परसों मुंबई में 15 अगस्त के दिन देखा कि वो टिल्लू राणे ने कहा कि टीपू सुल्तान की फोटो रैली में नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? हर एक की फोटो लग सकती है, लेकिन टीपू सुल्तान की फोटो क्यों नहीं लग सकती? मैं वो टिल्ले राणे को कहना चाहती हूँ, कुत्तों के भौंकने से शेर मरा नहीं करते, कुत्तों के भौंकने से शेर मरा नहीं करते।
हम टीपू सुल्तान के दीवाने, किसी के बाप से डरा नहीं करते। मैं मेरी बात खत्म करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।